नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धार्मिक बातें और विचार में। दोस्तों, हिंदू धर्म को संसार का सबसे पुराना धर्म कहा जाता है। यही कारण है कि इसे सनातन धर्म भी कहा जाता है। सनातन यानी जो सदा से हो या सदा से रहा हो। सदा से रहने का मतलब है कि जब सृष्टि की रचना हुई उस समय से लोग इस धर्म को मानते चले आ रहे हैं। इसे देवताओं द्वारा स्थापित धर्म भी माना गया है। यह धर्म इतना विस्तृत और इतना विशाल है कि कोई भी इसकी गणना या इसकी कल्पना नहीं कर सकता, तथा यह धर्म कहां से शुरू हुआ और कहां समाप्त होगा ये भी किसी को नहीं पता। दोस्तों, वैसे तो हिंदू धर्म कभी समाप्त होने वाला धर्म नहीं है, तथा ये धर्म जब से सृष्टि की रचना हुई तभी से ही चला आ रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको हिंदू धर्म की ऐसी विशेषताओं के बारे में बताऊंगी जो वेदों में लिखी हुई है, तथा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस धर्म के बारे में बताया है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म की पहली विशेषता है कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए इस धरती पर अवतार लेता रहूँगा। यानी हिंदू धर्म को भगवान द्वारा स्थापित और संचालित माना गया है। इसे हम अपने धर्म की पहली विशेषता मान सकते हैं, क्योंकि इस धर्म को किसी मनुष्य ने नहीं बल्कि हमारे देवी देवताओं ने चलाया है तथा इसको स्थापित किया है। दोस्तों, हमारे धर्म की दूसरी विशेषता है इसका ऋग्वेद। हिंदू धर्म की प्राचीनता और महानता का सबसे बड़ा उदाहरण ऋग्वेद है। इसे हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया है। कहते हैं ऋग्वेद की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मुख से हुई थी। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान विष्णु ने पहली बार ऋग्वेद का पाठ किया था। इसके बाद ऋषि मुनियों के द्वारा यह पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित और प्रचारित हुआ। कहते हैं कि करीब 3800 साल पूर्व ऋग्वेद लिखित रूप में आया, जबकि इससे पहले यह एक दूसरे से सुनकर ही प्रचारित होता था। दोस्तों, इसकी तीसरी खूबी है कि हिंदू धर्म के अनुसार भक्त भगवान के द्वार पर यानी मंदिर में किसी भी समय जा सकते हैं। भगवान का ध्यान पूजन करने के लिए समय का कोई भी बंधन नहीं है। भक्त को जब समय मिले तभी वह अपने आराध्य की उपासना कर सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यता है कि ईश्वर कण कण में और हर क्षण में और हर स्थान पर मौजूद है। दोस्तों, चौथी विशेषता है कि हिंदू धर्म स्त्री पुरुष समानता का भाव प्रकट करता है। ऐसा किसी और धर्म में नहीं है। इसका प्रमाण भगवान शिव का यह अर्धनारीश्वर स्वरूप है, जिसमें शिव के आधे अंग में देवी आदि शक्ति का वास माना गया है। इसी स्वरूप को आधार मानकर हिंदू धर्म में जीवन संगिनी को अर्धांगिनी कहा गया है। दोस्तों, हमारे धर्म की पांचवी विशेषता है कि इसमें कभी भी और किसी के लिए भी शोक मनाने की बात नहीं कही गई है। यही वजह है कि हिंदू धर्म में राम और कृष्ण जैसे देवताओं के जन्म दिवस पर उल्लासपूर्वक इन्हें मनाया जाता है, लेकिन उनके शरीर त्याग की तिथि का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता। कहीं कुछ जिक्र है तो गौण है, क्योंकि हिंदू धर्म कहता है कि राम और कृष्ण ने भले ही शरीर त्याग दिया हो, लेकिन वह सदा सर्वदा हमारे बीच उसी रूप में मौजूद है जिसे हम भक्ति भाव से महसूस कर सकते हैं। यानी हिंदू धर्म में शोक का कहीं भी कोई स्थान नहीं है। दोस्तों, हमारे धर्म की छठी विशेषता है कि हमारे धर्म में आध्यात्म और संन्यास के साथ साथ धनार्जन को भी खूब महत्व दिया गया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप आध्यात्म के लिए घर छोड़ सन्यासी बन जाएं, बल्कि धर्म यह कहता है कि हर चीज़ का एक निर्धारित समय होता है। युवावस्था में आप देवी लक्ष्मी और कुबेर को प्रसन्न कीजिए, यानी खूब धर्म कमाइए तथा खूब धन कमाइए। गरीबी में जीना हिंदू धर्म में पाप कहा गया है, क्योंकि मनुष्य अभाव में होने पर गलत काम कर सकता है और पाप का भोगी बन सकता है। इसलिए कहा है कि मेहनत करो और धन कमाओ तथा पाप से बचो। लेकिन युवावस्था ढलते ही मोह माया को त्याग कर अध्यात्म और संन्यास की राह पर चलने के लिए हमारा धर्म प्रेरित करता है। दोस्तों, हमारे धर्म की सातवीं विशेषता है कि हमारे धर्म में चल और अचल दोनों तरह के देवताओं का जिक्र किया गया है। अचल देवता हैं
मूर्ति रूप में विराजमान देवता, जिन्हें हम अपने घर के मंदिरों और घरों में पूजा स्थलों में भी देखते हैं। जबकि चल देवता धरती पर चलने वाला हर जीव जंतु है, यानी हमारे हिंदू धर्म में हर जीव को भगवान माना गया है, अर्थात हर जीव में भगवान निवास करते हैं। गीता में इस बात का उल्लेख करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वह हर जीव में आत्मा रूप में विराजमान रहते हैं, इसलिए सभी जीवों में मुझे देखना चाहिए और जो यह रहस्य जान लेता है वह पाप से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, हमारे धर्म की अगली विशेषता है, हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का जिक्र किया गया है। अन्य किसी भी धर्म में इतनी बड़ी संख्या में देवी देवताओं का जिक्र नहीं है। दोस्तों, हमारे धर्म की 9वीं विशेषता है कि हमारे धर्म में मृत्यु को भी देवता माना गया है। यमराज को जीवों के प्राणों को हरने वाला और भगवान शिव को संहार और प्रलय करने वाला कहा जाता है। बावजूद इसके इन्हें देव और महादेव कहा जाता है। यानी हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें मारक को पूजनीय माना गया है, इनके प्रति आदर का भाव प्रकट किया जाता है। इसकी यही वजह है कि हिंदू धर्म में मृत्यु को मुक्ति का मार्ग माना गया है। दोस्तों, हमारे धर्म की अगली विशेषता है, मतलब 10वीं विशेषता है कि हमारे धर्म अर्थात हिंदू धर्म को सभी धर्मों में लचीला माना गया है। इसका एक उदाहरण यह भी है कि इसमें काम भाव को भी महत्व दिया गया है और इसे आवश्यक बताया गया है। यही वजह है कि इस धर्म में काम के देवता कामदेव मौजूद हैं, लेकिन कामुकता को बुरा माना गया है। यही वजह है कि एक तरफ कामदेव को कामातुर दिखाया जाता है तो दूसरी ओर भगवान शिव को उसे भस्म करते हुए दिखाया गया है। यानी सृष्टि संचालन के लिए काम आवश्यक है, लेकिन जब यह अति होने लगे तो इसका अंत होना भी जरूरी है। दोस्तों, हमारे धर्म की 11वीं विशेषता है कि हमारे धर्म में अवतारवाद की जैसी परिकल्पना बताई गई है वैसी किसी और धर्म में नहीं है। हमारे धर्म में बताया गया है कि हर युग के अंत में भगवान का अवतार होगा और नए युग का आरंभ होगा। इस समय कलयुग चल रहा है और कहते हैं कि कलयुग के अंतिम चरण में मनुष्य व्यभिचारी हो जाएगा, संबंधों की मर्यादा को सब भूल जाएंगे, स्त्रियों में लज्जा समाप्त हो जाएगी, मनुष्य पशु जैसा व्यवहार करने लगेगा। तब भगवान कल्कि अवतार लेकर धर्म को पुनः स्थापित करेंगे। कल्कि अवतार की यह परिकल्पना किसी और धर्म में नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारे धर्म अर्थात हमारे हिंदू धर्म की कुछ विशेषताएं जो बहुत विशाल और विस्तृत हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप ऐसी और भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।